प्रिंटर टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी ने पढ़े होंगे, जानते होंगे, सुने होंगे। तो प्रिंटर यह एक आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस होता है। आउटपुट पेरिफेरल का मतलब है जितने भी यूएसबी से कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस, उसे पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो प्रिंटर भी यूएसबी की सहायता से किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर बने डॉक्यूमेंट, जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और सॉफ्ट कॉपी को कागज़ पर हार्ड कॉपी के रूप में छापा जाता है। कागज़ पर प्रिंटर की प्रिंट गति, अक्षर की स्पष्टता प्रिंटर पर आधारित होते हैं। इसी तरह से प्रिंटर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर होता है, सेकंड में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो कि इंपैक्ट प्रिंटर को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और डजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को ये तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, पैन प्रिंटर। इस तरफ के स्ट्रक्चर को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी भी एग्जाम पर्पस के लिए आप याद रख सकते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि है। उसके बाद जो भी आता है प्रिंटर, उसे सीधा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह जाना जा सकता है। जो कि पहला है लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और मल्टी फंक्शन प्रिंटर। पहला है डेजी व्हील प्रिंटर, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप है। यह एक गुलबहार पुष्प की तरह दिखाई देता है, जो कि व्हील आकार की होती है पुष्प। इसी तरह से आप डेजी व्हील प्रिंटर का जो आकार बना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका नाम गुलबहार पुष्प पर आधारित होता है। इसकी प्रिंट गति काफ़ी कम होती है, अक्षर स्पष्ट रूप से होता है। इसमें जैसे किसी की को दबाया जाता है, वैसे ही इसकी चक्र घूमती है और लंबवत स्थान से हैम्बर पर टकराती है, डेजी व्हील प्रिंटर कहलाते हैं। लाइन प्रिंटर, इसकी गति उच्च होती है, इसमें एक बार में पूरे पृष्ठ को प्रिंट करता है। साधारण तौर पर यह 600 लाइन प्रति मिनट या 10 पेज की गति से प्रिंट कर सकता है। उपयोगी होने के कारण विशेष रूप से मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। लाइन प्रिंटर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जो कि ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो पहला देखते हैं कि ड्रम प्रिंटर होता क्या है। इस प्रिंटर में ड्रम का प्रयोग किया जाता है, जो कि अक्षर उभरा हुआ होता है। सेकंड जो लाइन है, अक्षर को जो प्रिंट करने के लिए यह तेज गति से घूमती है और एक चक्र पूरा होने पर एक लाइन छपता है, अर्थात यह एक पेज तेज गति से प्रिंट होता है। अगला चैन प्रिंटर, इस प्रिंटर में चैन का प्रयोग किया जाता है, जो कि तेज गति से घूमती है और जैसे ही चैन हैम्बर से टकराती है तो कागज़ पर अक्षर छपने का कार्य करती है। सेकंड लाइन, ड्रम प्रिंटर की तरह इसमें भी एक चक्र में एक ही लाइन प्रिंट कर सकते हैं। अगला है बैंड प्रिंटर, इस प्रिंटर में एक स्टील का हैम्बर लगा होता है, एक चक्र में पूरे एक लाइन को प्रिंट करता है। इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं। तो सेकंड टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज और प्रिंट हेड के बीच में कोई संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर तकनीकी होता है, जिस कारण इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉटर प्रिंटर, थर्मल और मल्टी फंक्शन प्रिंटर। तो आइए देखते हैं कि लेजर प्रिंटर होता क्या है। तो पहला है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाला प्रिंटर है और इसमें प्रिंट किए हार्ड कॉपी बहुत साफ होते हैं, अर्थात बहुत स्पष्ट रूप से होते हैं। इसमें डॉट से ही प्रिंट होता है, लेकिन डॉट्स छोटे छोटे होने के कारण प्रिंट की स्पष्टता अच्छी मानी जाती है। लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही प्रयोग में लाया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशित ड्रम और विद्युत आकृति बनाई जाती है और ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है और स्याही को कागज पर छापता है। लेजर में एक रबर की सहायता से टोकन पर चिपके स्याही को साफ करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों तथा करेक्टर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। लेजर प्रिंटर में 100
अधिक पृष्ठ रंग वाले पेजेस और 200 से अधिक पृष्ठ रंगीन वाले पेजेस प्रिंट किए जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि इस तरह से इमेज बनाया है। अगला जो टॉपिक है हमारा सेकंड, फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर यह एक रंगीन प्रिंटर होता है। इसमें मुख्य रूप से फोटो को प्रिंट किया जाता है। इसकी गुणवत्ता उच्च मानी जाती है। इसमें अच्छी बूंदों और बौछार होती है और इसके कारण इसमें फोटो अच्छे से छपते हैं। तीसरा जो टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर। इस प्रिंटर में एक नोजल होता है और नोजल की सहायता से स्याही को बौछार करते हैं और फिर अक्षर को प्रिंट करने का कार्य करते हैं। इसके नोजल से चार रंग निकलता है, जैसे कि नीला, लाल, पीला और काला। इसके कारण इसे CMP भी कहते हैं। चौथा जो टॉपिक है इसकी प्रिंटिंग तकनीकी बहुत छोटे छोटे डॉट पर आधारित होते हैं, जिसके कारण कागज पर छपे अक्षर बहुत स्पष्ट होते हैं। इसका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। अगला टॉपिक है प्लॉटर प्रिंटर। तो प्लॉटर प्रिंटर छोटा और बहुत कम वजन के होते हैं। इसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। इसकी प्रिंटर की प्रिंट गति कम होता है, जैसे कि डिजिटल कैमरा में फोटो प्रिंट करना। अगला है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर में विभिन्न प्रकार के फाइल को स्कैन करने तथा उसे प्रिंट और फैक्स करने का प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहते हैं या कहलाता है। सभी कार्य आसानी से हो जाने पर इसे ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे प्रायः सभी जगह प्रयोग। अगला प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर एक रंगीन प्रिंटर होता है, जिसमें बड़े बड़े नक्शे प्रिंट करने के प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से आप किसी भी